छोटे कपड़ा व्यवसायियों ने सौंपा ज्ञापन, लगाई गुहार। अंजड़ नगर के विभिन्न प्रकार के छोटे कपड़ा व्यवसायी दुकानदार ने लगाई गुहार। ज्ञापन के माध्यम से रखी मांग, लॉकडाउन के दरमियान थोड़े समय की छूट देकर दुकान खोलने का अवसर प्रदान करें। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने का हवाला देते हुए छूट देने की मांग रखी गई है। व्यवसायियों की मांग, बीते साल भी हुआ था लॉकडाउन, व्यापार का खासा हुआ था नुकसान। अब लगने वाले 9 दिन के लॉकडाउन में गणगौर त्यौहार पर भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने की चिंता को लेकर व्यापारी पहुंचे तहसील कार्यालय, सौंपा ज्ञापन। वहीं भगवान के मंदिर में भी भगवान के समक्ष ज्ञापन रख की प्रार्थना। अंजड़ से सतीश परिहार की रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा ये ज्ञापन देने का तहसील और मंदिर में? जी, हमारा ये मामला है कि आगामी जो त्यौहार था गणगौर का, उसके लिए हम छोटे व्यापारी जितने भी गांव के अंदर, नगर के अंदर, हम सभी हर वर्ष तैयारी करते हैं आगामी त्यौहारों के लिए। हम मार्केट से पैसा उठा के खरीदी करते हैं, ब्याज पे 2%, 3%, 1.5% पे ब्याज पे पैसा उठा के हम खरीदी करते हैं, दुकानों पे माल भरते हैं। और इस टाइप से ये जो लॉकडाउन जो लगा है 9 रोज का, उससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पिछले वर्ष भी कोरोना काल में हमारी स्थिति खराब हो गई थी। हमारे से किराया भी नहीं भराया था और ना तो लोगों को हम पैसा जो मार्केट से उठा वो दे पाए थे। ये कोरोना की वजह से जैसा 9 दिन का लॉकडाउन लगा है, कितना सही फैसला है सरकार का? ये सरकार का फैसला मेरे हिसाब से, सरकार ने तो कलेक्टर के ऊपर जो छोड़ रखा था, मेरे हिसाब से अंजड़ में वो स्थिति नहीं है जो होना चाहिए थी। बाकी बड़वानी जिले में जो महाराष्ट्र के जो इलाके थे वहीं तक सीमित था, बाकी अंजड़ के अंदर इस टाइप से कोई मामला नहीं था। इसके मद्देनज़र अंजड़ को तो कम से कम छूट दी जानी चाहिए थी। जैसा समय में देखा जा रहा है कि अभी कल टेंट बैंडबाजे वाले, उन्होंने भी ज्ञापन दिया है और आप भी जैसा ज्ञापन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी छुपाने के लिए तो नहीं हो रहा है लॉकडाउन? नहीं नहीं, सरकार की नाकामी छुपाने के लिए नहीं हो रहा है। बाकी मेरा ये मानना है कि कोरोना है, बाकी उसका पालन सख्ती से अलग तरीके से बिना लॉकडाउन लगाए भी प्रशासन कर सकता है, बहुत सारे तरीके हैं उसके। ज़रूरी नहीं है कि लॉकडाउन ही इसका हल है।